हलका पटवारी ने ग्रामीणों से मांगी रिश्वत, ग्रामीणों ने एकजुटता दिखाते हुए अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, कहा कार्यवाही की जाए। इस खबर के प्रायोजक हैं द बिग ब्रांड मेंसवेयर एंड फुटवेयर। सोनू जैन की नवीन प्रतिष्ठान द बिग ब्रांड मेंसवेयर एंड फुटवेयर अब आपके शहर नौगांव में, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगी हर वो ब्रांड जिसे पहनने और लेने के आप शौकीन हैं। पता है पोस्ट ऑफिस के सामने मेन रोड नौगांव। छतरपुर जिले के पटवारी बीरेंद्र शुक्ला पर ग्रामीणों ने रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप लगाते हुए एडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन सौंपते हुए बताया गया है कि पटवारी बीरेंद्र शुक्ला 25,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं, जिस बात को लेकर सभी ग्रामीण नाराज हैं और एकजुटता दिखाते हुए दर्जन भर ग्रामीणों ने एडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए पटवारी बीरेंद्र शुक्ला के खिलाफ कार्यवाही की मांग उठाई है। तो यहाँ पर पटवारी बीरेंद्र शुक्ला पर गंभीर आरोप ग्रामीणों ने लगाए हैं और कार्यवाही की मांग उठाई गई है। जानकारी के अनुसार ग्राम निवारी में बलबीर सिंह बुंदेला, अजय प्रताप सिंह और अन्य ग्रामीणों ने एकजुटता दिखाते हुए पटवारी के खिलाफ हल्ला बोलते हुए ज्ञापन सौंपा है और यहां पर अधिकारियों से कार्यवाही की मांग उठाई है। मैं ग्राम निवारी का रहने वाला हूं और समस्या ये है कि जो हमारे पटवारी पदस्थ वीरेंद्र शुक्ला, ये एकदम भ्रष्टाचारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। हाल लोगों से हजारों रुपये रिश्वत में लेते हैं, मुझसे भी इन्होंने पिछले साल 5,000 रुपये रिश्वत में लिए थे। एक हमारे सीमांकन जो तरवीम थी वो ऑनलाइन दर्ज नहीं थी, उसको दर्ज करने के लिए पिछले महीने 25 अप्रैल को मैंने यहीं जनसुनवाई में एक आवेदन दिया था। हमारे साथ गांव के अन्य लोग भी आए थे जिनकी समस्या हमारे जैसी सेम थी। तो एक महीना बीत गया, पटवारी साहब का कुछ नहीं किया उन्होंने। मैंने जनसुनवाई सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की थी तो पटवारी और संध्या अग्रवाल तहसील नायब तहसीलदार ने हमें आश्वासन दिया कि ये कह दिया आप पैसे अपनी सीएम हेल्पलाइन कटवा लूँ और आपका काम मैं किए दे रही हूँ। ये संध्या अग्रवाल नायब तहसीलदार मुझसे बोला 25 अप्रैल के बाद, लेकिन आज एक महीना होने को पटवारी कहता वो आप संध्या अग्रवाल से बात करो, मैडम से बात करो। मैडम कहती हैं कि पहले मुझे टालती रही कि हाँ मुझे समय नहीं मिल पाया, मैं देख नहीं पाई, अब तो कर दूंगी। फिर उन्होंने मुझसे 58 सेट की नकल मंगवाई, वो भी मैंने उनको अभी पिछले शुक्रवार को ला के दे दी। ये मैडम 58 सेट की नकल है, ये मेरे परिवार के मेरे बब्बा जी लोगों के नाम दर्ज है। फिर भी वो काम नहीं कर रही है, वो कहते नहीं मैं नहीं करूँगी। मैंने मैडम पहले आश्वासन क्यों दिया था आपने, क्यों आपने सेम हेल्पलाइन हमारी कटवाई। वरदान एक्सप्रेस के लिए छतरपुर से अनिल शर्मा की रिपोर्ट।